नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Fold 3 versus Google Pixel 6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z Fold 3 में 6.23 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z Fold 3 में 5.04 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z Fold 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z Fold 3 में 0.25 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z Fold 3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z Fold 3 में 271 ग्राम जबकि Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z Fold 3 में डायनामिक AMOLED जबकि Pixel 6 Pro 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Z Fold 3 में 22:5:18 जबकि Pixel 6 Pro 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z Fold 3 में 7.6 इंचेस जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z Fold 3 में 1768x2208 और Pixel 6 Pro 5G में 1440x3120 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z Fold 3 में 89.7% जबकि Pixel 6 Pro 5G में 88.5% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z Fold 3 में 372 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 513 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z Fold 3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 6 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z Fold 3 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pixel 6 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z Fold 3 में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Pixel 6 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z Fold 3 में Adreno 660 जबकि Pixel 6 Pro 5G में Mali-G 78MP20 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z Fold 3 में Qualcomm Snapdragon 888 और Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor मिलता है। बात करें RAM की तो Z Fold 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12 GB की RAM मिलती है, जबकि Pixel 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z Fold 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256 GB 512 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Pixel 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z Fold 3 में Android V11 जबकि Pixel 6 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Z Fold 3 में 4400 mAh जबकि Pixel 6 Pro 5G में 5003 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z Fold 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 149,999 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 157,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Pixel 6 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 99,860 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy Z Fold 3 में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Pixel 6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Pixel 6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z Fold 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 Ultra है, दूसरा OnePlus 9 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy Z Flip 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 Pro Max है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।